अगर कोई और डिक्टेटर आ गया जैसे मुशर्रफ आया था बाद में, तो वो उठा के जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो दे देगा और उसकी जगह डिप्लीटेड रख देगा और कहेगा जी कि हमने तो बेवकूफ़ बनाया था, साइंसदान जो थे इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया, ब्लफ किया, ठीक है, और ये सब उठा के दे देगा अमरीकनों को। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अपने कॉलमों में भी कई बार आपने जनरल मुशर्रफ को बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनाया, आखिर मुशर्रफ साहब से क्या इशू था? सर बात ये हुई रोहित भाई के, हम जब मिसाइल फायर कर रहे थे ना गौरी, गौरी मिसाइल, हाँ जी जी, तो वो हम वहाँ से कर रहे थे, वो जो टिल्ला रेंज है, जी जी जी, झेलम टिल्ला जोगिया, जी जी हाँ, वो मंगला के उसमें आता है एरिया में, ठीक है। तो मैंने एक कर्टेसी के तौर पे मैंने इनसे कहा, इससे पहले सलाम तो होती थी कभी, तो मगर इसने कभी कदम नहीं रखा था, कबूते में अलाव नहीं था। तो मैंने इसे कहा कि हम यहाँ से मिसाइल फायर कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ये वो है मौका है और हिस्ट्री है, तो आप क्योंकि इस एरिए के फोर कमांडर हो तो आप आ जाओ, आप भी शिरकत कर लो, देख लो। अच्छा, उसको कमांडर थे। अच्छा अच्छा, फिर इन्हें कहा कि वो जनरल जहां की आरामत को नहीं पता, वो नाराज होंगे, मैं कहा नहीं मैं उनको बता देता हूँ, मैं उनको बता दिया। अच्छा ये सुबह आए 7:30 बजे हमने फायर कर दी, सर इसके मुंह में से बदबू आ रही थी शराब की, शराब वराब पी के आया था ये, रात को पी थी इसने बहुत। अच्छा, तो उस पर से मैंने कह दिया कि सर आपने अच्छा नहीं किया, ऐसे मौके पर मुबारक मौके पर ऐसे आना जी, तो ये इसने वो उसको लगी चिपक के बैठ गया। फिर ये कि धमाकों के बाद जब हम वहाँ उनके पास गए, मियाँ शरीफ ने बुलाया मुझे खास तौर से। अच्छा, तो मैं गया तो मैंने ब्रिगेडियर इनाम होते थे हमारे लाहौर में बड़े प्यारे दोस्त, उनको ले लिया, उनका कि उसको भी मजीद निजामी को भी साथ ले चलते हैं। अच्छा, तो हम वहाँ गए तो मियाँ साहब ने बड़ी बेचारों ने आव भगत की, हार डाले बाहर निकले नंगे पैर, गुलाब के हार डाल दिए मेरे गले में बहुत सारे, तो बैठ गए तो बाद में पूछे मुबारकबाद वगैरह दी, तो मैंने उनसे ये कहा कि मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब ने बहुत गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है ब्लंडर के, तो उनके क्या किया, मैं कहते कि जानी और शराबी को आर्मी चीफ बना दिया, इनके तख्ता उल्टेगा, अब लिख के रख लें। अच्छा, आपने